नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, जिसमें हमें बताना है कि ये जो समीकरण हमें दी हैं इनके रैखिक युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे। तो सबसे पहले हमें निकालनी होंगी a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के अनुपात। तो आइए देखते हैं, a1 क्या है, x के साथ वाली पहली रकम वो है 5 और a2 है -10, b1 है -3, B2 है 6, C1 है 11, C2 है -22। तो आइए इसे हल करके देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। 5 और 10 आपस में कटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो एक माइनस भी है साथ में, तो आ गया -1/2। 3 और 6 आपस में कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये है -1/2। अब ये माइनस नीचे हो या ऊपर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। C1 बटा C2 ये है 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माइनस नीचे है या ऊपर है एक ही बात है, तो -1/2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो A1 बटा A2 भी आया है -1/2, B1 बटा B2 भी आया है -1/2, C1 बटा C2 भी आया है -1/2। इसका अर्थ ये है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और ये बराबर है C1 बटा C2 के। यदि ऐसा हो तो इसके हम टेबल में देख लेते हैं, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के, ये तीनों बराबर हैं। इसका मतलब इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और यह है क्योंकि हल है इसलिए संगत है। हमने पढ़ा था किसी का हल होगा तो वह संगत, हल नहीं होगा तो असंगत। तो अभी जो हमारी कंडीशन है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो हम लिखेंगे अतः दी गई समीकरणों के रैखिक युग्म संगत हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हल है इसलिए संगत है, हल नहीं होता तो असंगत होते। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।